14th क्वेश्चन, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 टू 1 250, यानी 4 से डिविजिबल, मल्टीपल ऑफ 4 हो गए मतलब 4 से डिविजिबल, 10 टू 250, 10 से लेके 250 तक 4। तो देखिए हमारे ये हमारे हैं 10 टू 250 नंबर्स। अब इसमें 4 से डिविजिबल हमारा कौन सा है? सबसे पहला 10 तो होता नहीं, तो सबसे पहला ये 12 है, 4 से डिवाइड होगा जो, उसके बाद 4 से डिवाइड होने वाला 4 प्लस करके ही आएगा। लास्ट 250 है जो, 250 भी हमारा डिवाइड नहीं होता, तो 250 से ऊपर तो हमने लेना नहीं क्योंकि 250 तक की टर्म्स लेनी है, तो 249 नहीं होता, 248 होता है। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम है ये बिल्कुल, इसमें हम यही बताएंगे कि 248 हमारी कौन सी टर्म है। तो ए हमारा क्या है 12, डी हमारा 4 है और ए एन हमारा 248 है। तो ए एन 248 है, तो ए एन हमारा क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी 248। ए हमारा 12 प्लस एन माइनस वन इंटू 4 इज इक्वल टू 248। तो 12 प्लस 12 एन सॉरी 4 एन माइनस 4 इज इक्वल टू 248। तो 4 एन ये 8 हो गया हमारा, 12 माइनस 4 प्लस 4 एन इज इक्वल टू 248। तो 4 एन इज इक्वल टू 248 माइनस 8 यानी 240। तो n इज इक्वल टू 240 बाय 4 यानी 60 आ गया। तो टोटल टर्म्स हमारी कितनी आ गई, 60। 15th क्वेश्चन पे आते हैं। 15th क्वेश्चन हमारा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ दिस एपी एंड दिस एपी आर इक्वल। मतलब इस एपी का कौन सी टर्म और इस एपी की मतलब कौन सी टर्म है जो इनकी इक्वल होंगी, मतलब सेकेंड टर्म है इक्वल होंगी या थर्ड टर्म इक्वल होगी, एन की वैल्यू सेम होनी चाहिए और टर्म इक्वल हो। देखिए 15th क्वेश्चन है, हमारी फर्स्ट एपी क्या है, फर्स्ट एपी है हमारी 63, 65, 67। इसमें हम ए हमारा क्या है 63, एंड इसका हम फर्स्ट टर्म ए कैपिटल ए और कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी ले लेते हैं। ये हमारा डी हो गया 65 माइनस 63, 2 आ गया। सेकेंड एपी हमारी है 3, 10, 17, तो ए हमारा 3 हो गया एंड डी हमारा 10 माइनस 3 7 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका ए एन और इसका ए एन इक्वल होना चाहिए, यानी ए एन इज इक्वल टू ए एन। इसका ए एन क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसका ये वैल्यू रखेंगे 63 प्लस एन माइनस वन इंटू टू इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 7। 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। तो 2n माइनस 7n, n हम इस साइड रख लेते हैं बाकी उधर ले गए, 7 माइनस का है प्लस 3 माइनस 62 प्लस 2, तो माइनस 5n इज इक्वल टू ये हमारा हो गया माइनस 4 और ये हो गया माइनस 61। तो माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 65, माइनस माइनस कैंसिल, तो n इज इक्वल टू 65 बाई 5 यानी 13 आ गया। तो आंसर हमारा आ गया 13th टर्म। 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन में क्या है, डिटरमिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। देखिए फर्स्ट चीज तो हमें साफ दी हुई है थर्ड टर्म जो है वो 16 है, मतलब ए थ्री इज इक्वल टू 16, और सेवंथ टर्म क्या है हमारा फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा। सेवंथ टर्म हमारी होगी ए फाइव प्लस 12। देखिए ए थ्री क्या है 16 और ए सेवन क्या है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा। एपी हमने बतानी है
यानी ए और डी कैलकुलेट करके एपी बता देंगे। ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 16 आ गया, इधर हमारा आ गया ए प्लस 6 डी, ए 7 की वैल्यू और ए 5 की, ए प्लस 4 डी प्लस 12। इसको हम सोल्व करेंगे, ए से ए कैंसिल हो गया, तो 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12, 2d इज इक्वल टू 12 एंड d इज इक्वल टू 6 आ गया हमारा। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, a हमारा क्या आ गया 4। a और d आ गए तो ap हमारी क्या हो जाएगी, a1 इज इक्वल टू 4, a2 हमारा क्या होता है a प्लस डी यानी 4 प्लस 6 10 हो गया, a3 क्या होता है a प्लस 2d यानी 4 प्लस 2 इंटू 6 4 प्लस 12 16 हो गया, और a4 हमारा क्या होता है a प्लस 3d यानी a क्या है 4 प्लस 3 इंटू 6 22, यानी ये हमारी होगी 4 10 16 22, ये ap हो गई हमारी